बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुश आमदीद। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में होश और आबाद होंगे। तो चलिए आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मटन वाइट कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही कम वक्त में बनने वाली ये हमारी कढ़ाई है। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स आपसे सारे शेयर करती हूँ मैं। इधर मैंने एक प्याली फेंटा हुआ दही ले लिया है, इधर मैंने कूटा हुआ दो दो चम्मच लहसुन अदरक ले लिया है, साथ ही इधर मैं ले रही हूँ एक अदद नींबू है, थोड़ा मुट्ठी भर के मैंने धनिया ले लिया, इसे दो के मैंने काट लिया है, एक जूनियर कटिंग 1 इंच का टुकड़ा, और मैंने ले लिया अदरक का जूनियर कटिंग कर लिया है, साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज है, चारों तरफ हरी मिर्चें हैं। इधर मैं ले रही हूँ आधा किलो गोश्त है मटन का, तो इसे मैंने दो के तो छोटा छोटा कर लिया, ये सारा तकरीबन मछली का गोश्त है, तो साथ दो चार नलियाँ हैं, तो इसे मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। तो साथ ही ये मसाले हैं, 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 चम्मच नमक है और 1 चम्मच सूखा धनिया है। तो आपके पास सूखा धनिया का पेस्ट, आपके पास सूखा धनिया का पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो साथ ही क्रीम है 4 चम्मच। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। हसबे जो तो ऑयल ले लूँगी। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, करते हैं हम फ्लेम ऑन। कुकर मैंने ले लिया है, तो इसमें डालेंगे हम सबसे पहले 1 गिलास पानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पानी डाल दिया। इधर मैं डालूँगी मटन, अभी बस इसमें हमने पानी लिया 1 गिलास और मटन डाल के, तो फिलहाल हम नमक डाल देंगे, बस हमने नमक डाल के इसे गला लेना है। तो गलाने के बाद फिर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं कवर करके 10 मिनट पका लूँगी। तो पानी अगर इसका ड्राई होगा तो पानी फिर मैं आधा ग्लास और ऐड करके, तो इसे मैं स्टीम बिल्कुल 2 मिनट दे दूँगी। ये मछली का गोश्त है, देखिए सारा मछली का गोश्त है, तो ये बहुत ही जल्दी गल जाएगा। तो पहले मैं इसका ही कवर, कुकर का ही ऊपर लीड दे के ना, तो इसे तकरीबन मीडियम फ्लेम पे मैं 5 मिनट पका लूँगी, जिसके बाद मैं आधा गिलास पानी और ऐड करके तो फिर मैं स्टीम देने वक्त आपको दिखाती हूँ। दस मिनट हो गए मैं कवर करके पका रही हूँ, तो देखिए काफ़ी पानी हद तक खुश्क हो गया है, गोश्त अभी कच्चा है, तो मैं तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के तो इसे स्टीम कर लूँगी। तो अब इसे स्टीम कर लेंगे, तकरीबन 10 मिनट मैं स्टीम कर दूंगी इसे, स्लो फ्लेम पे मैं स्टीम कर दूंगी। तो तकरीबन 5 मिनट मैंने स्टीम दी है, तो फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। तो चलिए जी विसल उसका उठा लेते हैं, कवर भी मैं हटा दूंगी। इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला है, बस नमक डाला है, ऑयल भी नहीं डाला, ऑयल मैं बाद में डालूंगी। अगर आप ऑयल पहले डाल दें और दही बाद में, तो वो फिर अच्छा टेस्ट नहीं बनता। जब भी आपने बनाना है बस खाली नमक और पानी के साथ बॉईल कर देना है। तो फिर हम इसमें अब दही ऐड करेंगे, दही का पानी सारा खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम ऐड करेंगे ऑयल, अगर आपने अच्छी कढ़ाई बनानी है तो। चलिए मैं अब दही ऐड कर दूँगी, दही ऐड करके तो इसे पकने के लिए रख देंगे।
दही का पानी खुश्क होने लगा है, तो अब इस स्टेज पे आके हम ऑयल डालेंगे। ऑयल पहले नहीं आपने डालना, ऑयल आपने दही का पानी थोड़ा खुश्क करके फिर ऑयल आपने डालना है, तो इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आप ऑयल डाल के फिर बाद में दही डालेंगे तो इसकी रंगत और इसके जायके में फ़र्क आ जाएगा। तो चलिए अब मैं ऐड करती हूँ, ऑयल ऐड कर दिया हस्ब ज़रूरत, साथ ही इसमें जो है ना लहसुन अदरक डाल दूंगी मैं, दो दो चम्मच था कूटा हुआ, ये हम ऐड कर देंगे। अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तेज आंच पे मैं इसे भून लूंगी तकरीबन 2 मिनट। तकरीबन 5 मिनट हो गया, मैं लहसुन अदरक की कच्चा जो लहसुन अदरक का कच्चा पान है, 5 मिनट हो गया मुझे भूनते हुए, लहसुन अदरक का जो कच्चा पान है वो ख़त्म हो गया है, अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो गई है। तो देखिए ऑयल भी हमारा सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज में हम डालेंगे सूखा धनिया 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, और जो है ये गर्म मसाला 1 चम्मच, और 2 इलायची, ये हम सारी ऐड कर देंगे। अगर नमक कम है तो आप और स्टेज पे आके चेक करके तो देख सकते हैं। जब आपने काली मिर्च ऐड कर देनी तो फिर आपने ज़्यादा नहीं इसकी बुनाई करनी, क्योंकि फिर ये ब्लैक ब्लैक कलर हो जाएगा हमारी कढ़ाई का। तो बिल्कुल आपने थोड़ी देरी भून के तो बाकी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है। तो अब इसमें मैं 2 हरी मिर्चें जो मैंने बड़ी बड़ी स्लाइस में काट ली हैं दरमियान में से 4 करके, तो ये ऐड कर देंगे। इसे थोड़ी देर हम पका लेंगे। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए मिर्चें डाले हुए, तो बड़ी अच्छी स्मेल आना शुरू हो गई है। तो इसमें अब क्रीम ऐड कर दूंगी, तकरीबन 4-5 चम्मच क्रीम है टेट्रा पैक की, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टेट्रा पैक की क्रीम नहीं है तो आप घर की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, दूध से दूध के ऊपर से उतार के 2 चम्मच, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए ये ऐड कर देते हैं। क्रीम डाल के तो इसे ज़्यादा हमने पकाना नहीं है, इसका टेस्ट भी सारा ख़राब हो जाएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। क्रीम डाल के आपने बस हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, तो फिर आंच आपने ऑफ कर देनी है। डिश आउट कर दिए मैंने मटन वाइट कढ़ाई, तो लुक बहुत अच्छी आ रही है, यकीनन खाने में भी बहुत ही मज़े की होगी। तो अगर आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये पसंद आई है। तो चलिए अब इजाज़त दें मुझे, दुआओं में मुझे याद रखिए, कल एक अच्छी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।